हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम एक स्टडी ऑफ इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये अक्सर आता है कि व्हाट इज़ ग्रेट वॉवल शिफ्ट। अक्सर आता है कि ये ग्रेट वॉवल शिफ्ट क्या है। वॉवल तो हम लोग सब जानते हैं, शिफ्ट का मतलब क्या हुआ और ये कब हुआ और क्यों हुआ। तो आपको ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में, 15वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के बीच में इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। किस तरह का चेंज? इस तरह का चेंज, एक बहुत बड़ा साउंड में चेंज। मतलब जब इंग्लिश फैल रहा था तो इंग्लिश के बोलने का जो अंदाज था, तरीका था, वो एक जगह पर कुछ अलग था, दूसरी जगह पर अलग था, तीसरी जगह पर अलग था। मतलब डिफरेंट जगहों पर लोग बोलने का जो अंदाज था उनका बहुत ही अलग था। अब हमारे यहाँ मान लीजिए कोई अगर इंग्लिश साउथ में बोलता है, कोई नॉर्थ में बोलता है, कोई बंगाल वेस्ट बंगाल का जो होता है वो अगर इंग्लिश बोलता है, या फिर कोई दिल्ली में है वो इंग्लिश बोलता है, तो सबके बोलने में थोड़ा सा फ़र्क हमको मिल जाएगा। क्योंकि भाषा का जो टोन होता है, भाषा को बोलने का जो अंदाज़ होता है, वो लोगों का बदल जाता है। रही बात हम लोग अगर ग्रेट वॉवल शिफ्ट के बारे में बात करें, तो ये क्या था कि एक तरह का मासिव साउंड चेंज था। मतलब आवाज़ में जो ना चेंज था, किस तरह की आवाज़ में चेंज? वॉवल में, ये जो लॉन्ग वॉवल्स हैं उनकी आवाज़ में चेंज था, उनके स्पेलिंग में भी और उनके साउंड में भी। कुछ लोग आगे से बोलते थे, कुछ लोग पीछे वाले टंग से बोलते थे। मतलब बोलने का उनका जो तरीका था जगह जगह पर डिफरेंट हो रहा था। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 15वीं से 18वीं सेंचुरी के बीच में जो इंग्लिश का जो प्रचार या प्रचार प्रसार हुआ, लोग जो इसको बोलने लगे, तो डिफरेंट जगह पर ये जो लॉन्ग वॉवल्स हैं उनका जो साउंड है, उनका जो स्पेलिंग है, लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। यहाँ की जगह पर अलग किया, दूसरी जगह पर अलग किया, तीसरी जगह पर अलग अलग किया। इस तरह से ये बढ़ता रहा। इसी को ग्रेट वॉवल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, दिक्कत यहाँ ये है कि वॉवल तो वही है, लॉन्ग वॉवल तो वही है, लेकिन बोलने का अंदाज बदल गया। मतलब ये है कि वॉवल लेटर जो वॉवल है वो तो वही है, बट उसका जो फोनीम है, फोनीम साउंड जो है, उनके बोलने का जो साउंड है वो चेंज हो गया। कुछ लोग यहाँ से बोल रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा अंदर से बोल रहे हैं, कुछ लोग अलग से बोल रहे हैं। मतलब ये जो हमारा जो मुंह है, या हम इसको ज़ुबान कह लें, ज़ुबान के अलग अलग पार्ट से इसको लोगों ने अदा किया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेट वॉवल शिफ्ट। क्लियर है? तो हम इसको इस तरह से लिख सकते, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट इज ग्रेट वॉवल शिफ्ट, व्हाट इज ग्रेट वॉवल शिफ्ट आता है सर एग्जाम में आता है, तो व्हाट इज ग्रेट वॉवल शिफ्ट। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि है क्या। तो हम लोग इसको आंसर में लिखेंगे, इट वॉज अ मासिव मैंने बहुत बड़े पैमाने पर मासिव साउंड चेंज इट वॉज मासिव मैंने बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मासिव मैंने भारी होता है वैसे, मासिव साउंड चेंज है ना, ड्यूरिंग कब हुआ था, ड्यूरिंग 15th to 18th centuries. It was a massive sound change during 15th to 18th centuries that affected the long vowels of English in its pronunciation and spelling leading to various
चेंजेस बिटवीन वोवेल लेटर एंड वोवेल फोनीम वोवेल। तो यही हम लिख सकते हैं इसके बारे में, ग्रेट वोवेल शिफ्ट के बारे में। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिए। इट वॉज अ मासिव साउंड चेंज, एक बहुत बड़ा मतलब आवाज़ में तब्दीली थी, है ना, आवाज़ में परिवर्तन था। कुछ लोग एक जगह के लोग ज़ुबान के आगे से बोलते थे, फिर वहाँ थोड़ा ज़ुबान के बीच से बोलते थे, इस तरह से साउंड चेंज था, है ना, आवाज़ में चेंज था। ड्यूरिंग 15th to 18th century, 15th शताब्दी से 18th शताब्दी के बीच की ये बात थी। दैट अफेक्टेड, जिनने क्या किया, इस साउंड चेंज ने क्या क्या प्रभावित किया, अफेक्ट किया, द लॉन्ग वोवेल्स, है ना, वोवेल्स को, ए आई ओ यू जो है, लॉन्ग वोवेल्स को ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के लॉन्ग वोवेल्स को, इन इट्स प्रोनंसिएशन, उसके उच्चारण में और उसके स्पेलिंग में, लीडिंग टू, जिसने किस चीज़ को जन्म दिया, टू वेरियस चेंजेस, ने बहुत सारे परिवर्तन को, भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन को इनने क्या क्या जन्म दिया, बिटवीन वोवेल लेटर्स एंड वोवेल फोनीम, वोवेल के लेटर में और वोवेल के फोनीम माने उसकी आवाज़ में। मतलब वोवेल वही है, लॉन्ग वोवेल जो है वो वही है, लेकिन डिफरेंट जगह के लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको बोलते हैं, कोई ज़ुबान के आगे से बोलता है, कोई बीच से बोलता है, कोई अंदर से बोलता है, तो ये तरीके सिर्फ अलग हो गए। वोवेल लेटर सेम है, लेकिन उसका जो फोनीम है, उसका जो साउंड है बोलने का लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जगह का, वो सिर्फ क्या था, इसी दोनों के बीच में बहुत सारे क्या हुआ है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए। इसी को 15th century से 18th century के बीच में जो ये हुआ था, इसी को हम लोग ग्रेट वोवेल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये आ जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यही दो चार लाइनें आपको लिख देने हैं, आपका काम हो जाएगा और आप समझ भी गए होंगे कि ये वोवेल शिफ्ट क्या चीज़ है। चलिए, इसी के साथ हम इसको क्लोज़ करते हैं।